हाय, मेरा नाम सागर है और ऑटो कैड सॉफ्टवेयर के बारे में जानने के लिए हमने पूरी कैड की सीरीज बनाई है ताकि आप सभी लोगों को इसमें बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक बिल्कुल ही सिंपल तरीके से आपको नॉलेज मिलते रहे। तो ये हमारी पूरी कोशिश रहेगी सारे वीडियोज में, सारे लेक्चर्स में। और ठीक है, आज हम इस वीडियो में ऑटो कैड 2017 इस वर्जन को कैसे डाउनलोड करना है और इसका इंस्टॉलेशन कैसे करना है ये हम सीखने वाले हैं। और जो आने वाली वीडियोज है उसमें सारे कैड के लेक्चर्स हम कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे सैंपल देख रहे हो, हम सारे लेक्चर्स 2D के 3D के हम डिटेल में नॉलेज देने वाले हैं। तो आगे की वीडियो देखते रहिए ताकि आपको डिटेल में नॉलेज मिलते रहे। तो ठीक है, डाउनलोड के लिए सबसे पहले आपके पास नेट होना चाहिए। आप जो भी यूज करते हो, मोबाइल, वाईफाई, लैन, आपका जो डेटा प्लान है वो कम से कम 5GB तक डाउनलोड कर सके इतना होना चाहिए, क्योंकि ऑटोकैड 2017 इस वर्जन का जो डाउनलोड साइज है वो 4.886 GB है। तो आपको ये ध्यान में रखना है। सेकंड, आपके जो पीसी की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होनी चाहिए। तो मिनिमम आपका जो प्रोसेसर है वो कम से कम ड्यूअल कोर का होना चाहिए और उसमें जो रैम है वो मिनिमम 2GB होनी चाहिए 32 बिट्स के लिए, और 64 बिट्स के लिए 4GB उसमें आपकी रैम होनी चाहिए। और जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है मतलब विंडोज, वो विंडोज 7, 8 या 10 इनमें से होगा तो भी चलेगा। अगर आपके पास विंडोज 10 है तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि उसमें सारे लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अच्छे से काम करते हैं, अच्छे से इंस्टॉल होते हैं। तो विंडोज 10 है आपके पास तो बहुत ही बढ़िया है। और लास्ट में आपके पास मेल होना चाहिए, ईमेल आईडी होनी चाहिए, क्योंकि ऑटोकैड 2017 इस वर्जन की जो एक्टिवेशन की है वो आपकी ईमेल पर आने वाली है। तो आपके पास ईमेल होना चाहिए, अगर नहीं है तो निकाल लीजिए, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है ऑनलाइन। ठीक है, आपको ये प्रोसेस पता नहीं तो मुझे कमेंट करके बोलिए, मैं इसके बारे में वीडियो बना दूंगा। तो चलते हैं हमारे कंप्यूटर के स्क्रीन की तरफ इसको डाउनलोड करने के लिए। तो ये आ गए हमारे कंप्यूटर के स्क्रीन पे। इसमें हमें ब्राउजर में जाना है। मैं मोज़िला यूज करता हूँ, आप शायद क्रोम या दूसरा यूज करते हो तो उसको आपको ओपन करना है और इसमें आपको गूगल में जाना है। गूगल हम टाइप करेंगे और एंटर, और इसके बाद आपको यहाँ पे डालना है ऑटोकैड एजुकेशन वर्जन के नीचे ऑप्शंस आ रहे हैं, उसमें जो पहला वाला ऑप्शन है ऑटोकैड एजुकेशन वर्जन, इस पर आपको क्लिक करना है। और इसके बाद जो पहली वाली साइड है autodesk.com एजुकेशन फ्री सॉफ्टवेयर फीचर्स, ठीक है, इसका आपको क्लिक करना है। या हम राइट क्लिक करके न्यू टैब में जाएंगे। हम देख सकते हैं हमारा न्यू टैब ओपन हो गया है, उस पर हम जाएंगे और ये ऑटोडेस्क की साइड ओपन होगी, इस साइड से हम डाउनलोड करने वाले हैं। तो यहाँ पे ऊपर ऑटोडेस्क लिखा है और नीचे ऑप्शन से हम फ्री सॉफ्टवेयर इस टैब में है। इसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, इन्वेंटर, रिविट, मैक्स, कैड, माया, टिंकर कैड। ठीक, अभी हम कैड डाउनलोड करने वाले, तो कैड पर हम क्लिक करेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे सिस्टम रिक्वायरमेंट और कैड की बेसिक इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो उसके नीचे साइन इन और क्रिएट ऑप्शंस, ये दो ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। और इसके नीचे ये तीन ऑप्शंस है, उसे से हमें डाउनलोड करना है, लेकिन अभी आप इस पर क्लिक नहीं कर सकते क्योंकि हमें अकाउंट ओपन करना है। तो क्रिएट अकाउंट में जाएंगे और गेट एजुकेशन बेनिफिट्स, ये इस तरह से कुछ ओपन हो गया है। तो यहाँ पे आपको कंट्री सिलेक्ट करनी है, आपके बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देनी है, और भी बहुत सारे स्टेप्स है, पूरी ध्यान से देखते रहिए। और यहाँ पे एजुकेशन रोल आपका स्टूडेंट के लिए हम डाउनलोड करने वाले, तो वही सिलेक्ट करेंगे। और नीचे इंस्टीट्यूशन टाइप, इसके इस पे हम यूनिवर्सिटी पोस्ट सेकेंडरी इसको सिलेक्ट करेंगे। और डेट ऑफ बर्थ आपकी डालनी है यहाँ पे, जो भी हो, मंथ, डेट और ईयर, ईयर सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे आपको ठीक है नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही यहाँ पे क्रिएट अकाउंट इस तरह का ऑप्शन आ गया है। यहाँ पे आपको नाम, सरनेम, मेल आपको डालना है। मेरा नाम सागर है और सरनेम वाघमर है, एकदम राज मल्होत्रा टाइप नाम है मेरा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन मेल की तरफ। मैं आपका मेल डालने वाला हूँ। आपको मेल डालते समय आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो मेल डाल रहे उसी पे आपका ऑटोकैड का एक्टिवेशन किए आने वाले हैं। तो ध्यान से मेल डालिए, जो भी डाला है। मैंने याहू का दिया है, आप शायद जीमेल का या और कुछ भी दे सकते हो। और नीचे सेम कंफर्मेशन कंफर्म ईमेल ऊपर वाला जो है सेम डालना है। और इसके बाद आपका पासवर्ड डालना है। पासवर्ड डालते समय आपको ध्यान में रखना है कि पासवर्ड आपका स्ट्रांग होना चाहिए, मतलब उसमें आपके नेम, सरनेम,
मतलब वर्ड्स होने चाहिए और नंबर्स होने चाहिए, मतलब आपकी डेट ऑफ बर्थ इस तरह का कुछ। और इसके बाद स्पेशल कैरेक्टर मतलब @#, आपका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और इसके बाद आपको आयागर पे क्लिक करना है और नेक्स्ट पे सॉरी क्रिएट अकाउंट पे जाएंगे हम, उस पर क्लिक करेंगे, इसको हमें डोंट सेव करना है। इसके बाद ये कह रहा है कि चेक वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड, तो ये कह रहा है कि चेक योर ईमेल इनबॉक्स एंड फॉलो द लिंक ईमेल टू द वेरीफाइड रूटीन। इसमें ये नीचे नीचे रिसेंट और कंटिन्यू ऑप्शन, इस पर कुछ नहीं करना है आपको, सीधा आपको मेल चेक करना है जो भी आपने डाला था। मैंने याहू का डाला था तो उस पर हम जाएंगे, ये पे इस पर हम साइन इन करेंगे और मैं याहू का मेल डालूंगा। आपकी पूरी आपको ये पूरी प्रोसेस ध्यान से देखनी है क्योंकि आप कंफ्यूज हो सकते हो, क्योंकि हमारा ऑटोडेस्क का मेल भी है, याहू का मेल भी है, तो पूरी ध्यान से प्रोसेस देखिए। तो मैं यहाँ पे मेल याहू का मेल डाल रहा हूँ, मैंने हाइड किया क्योंकि ये मेरा ऑफिशियल मेल नहीं है, अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो आपको मैं लिंक पे दे दूंगा। इसको स्टे साइन इन निकाल देना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। और इसके बाद प्रूव यूर नॉट अ रोबोट, ठीक है, इसको लगता है कि हम रोबोट हैं। तो चलिए शायद ये ऑप्शन आपको ना आए, मुझे तो आ गए हैं। तो इस पर हमें ट्रैफिक लाइट को क्लिक करने के लिए कहा है, तो ठीक है इस पर हम लाइट को क्लिक करते हैं, ठीक है, और नहीं है उसको वेरीफाई करेंगे और इसको कंटिन्यू करेंगे और हमारे याहू का पासवर्ड डालेंगे। याहू का पासवर्ड डालने के बाद अब यहाँ पे नेक्स्ट करना है और ये आ गया हमारे मेल पे, और इस पर क्लिक करेंगे और ये ऑटोडेस्क का मेल आ गया, इसके हम वेरीफाई ईमेल करेंगे। ये हमें डायरेक्टली ऑटोडेस्क के साइड पर ले गए, तो दिस सिंगल अकाउंट गिव यू द एक्सेस टू ऑल द ऑटोडेस्क प्रोडक्ट, थी इसके हमें नेक्स्ट डन पे क्लिक करना है। इस सिंगल अकाउंट से आपको ऑटोडेस्क के सारे प्रोडक्ट हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बाद फिर से वही साइड ओपन हो गई है। ये नीचे ऑप्शंस अभी भी हम क्लिक नहीं कर सकते, तो हमें साइन इन करना है। पिछले टाइम हम क्रिएट ऑप्शन किया था, अभी हम साइन इन करेंगे, ठीक है, ध्यान से देखिए। साइन इन करते ही हमारा मेल हम डालेंगे, इस पर हमारा मेल डालेंगे, ध्यान से देखना है। ऑटोडेस्क का मेल अलग है और आपका जीमेल का मेल, मतलब दो अलग अलग अकाउंट यहाँ पे हम चेक करें, तो कंफ्यूज नहीं होना आपको। मैं आपको यहाँ पे मेल डाल रहा हूँ ऑटोडेस्क साइड का, इसके बाद हमें नेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे पासवर्ड डालना है ऑटोडेस्क साइड का। पासवर्ड है .. ठीक है, और इसके बाद ठीक है हमें नेक्स्ट साइन इन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे डोंट सेव करना है और थोड़ी आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन देनी है आपकी, यहाँ पे टेल अस अबाउट योर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंड हाउ यू प्लान टू, ठीक है, इस तरह का कुछ है इंटरव्यू टाइप, इसमें कुछ बोला है। तो हमारा कॉलेज या स्कूल सेलेक्ट करेंगे, ये पुणे का कॉलेज है तो इसका हम सेलेक्ट करेंगे। और एरिया ऑफ स्टडी यहाँ आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन इसलिए ले रहे हैं, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन ही सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद एनरोल फ्रॉम, आपका जो स्कूल कॉलेज है कितने साल का आपको देना है, यहाँ पे आपको 3 साल में आप दे सकते हैं क्योंकि ऑटो कैड की जो एक्टिवेशन की है हम 3 साल तक मिलने वाली है, तो मैंने 2018 से 2021 डाला है, आप 20 से 24 तक भी डाल सकते हैं। तो इसमें हम नेक्स्ट करेंगे और योर अकाउंट इज नाउ ऑडिटेड टू एक्सेस टू ऑलोटेड पार्क, ठीक है, इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करते ही हम फिर से उसी साइड पर है और अभी आपको फ्री सॉफ्टवेयर में जाना है और ऑटो कैड इसमें हमें क्लिक करना है। तो ये क्लिक करते ही ऑप्शंस आ गए, तो यहाँ पे हम वर्जन सेलेक्ट करेंगे ऑटो कैड 2017, इसमें आप ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 64-bit है मेरा, और यहाँ पे लैंग्वेज, अगर आपको पता नहीं कि आपके पीसी का कॉन्फ़िगरेशन चेक मतलब कौन सा बीट है कैसे चेक करना है, तो ये आपको मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो ये मेरा कंप्यूटर है, इस तरह का ही आपका होगा आइकॉन वगैरह कुछ, इस पर जब अभी हम चेक करेंगे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का बीट कैसे चेक करना है, आपका 32 या 64-bit है। तो ये मेरा कंप्यूटर है, उसमें हम जो दिस पीसी माय कंप्यूटर में जाएंगे, इस पे राइट क्लिक करना है इस आइकॉन पे और प्रॉपर्टी में जाना है आपको।
प्रॉपर्टी में जाने के बाद ये सिस्टम बोल के ओपन हो जाएगा, यू बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट योर कंप्यूटर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिया गया है सिस्टम में प्रोसेसर मेरा i5 है 3.3 GHz। ठीक है, इसके बाद रैम है 8 GB की। सिस्टम टाइप यहाँ पे आपका बीट दिखाई दे रहा है, मेरा 64-bit ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपको ये चेक करना है आपका 32 अगर होगा तो इस पर 32 होगा, 64 होगा तो इस तरह का 64 होगा। तो ठीक है, चलते हैं हमारे मेन पेज की तरफ, इसको कट करेंगे। ये हम लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे इंग्लिश, इसको क्लिक करेंगे और ये क्लिक करते ही आपको ये सीरियल नंबर, प्रोडक्ट की फाइल साइज सब आपको यहाँ पे दिया है। यही सेम आपके मेल पर भी जाने वाला है, हम मेल बाद में चेक करेंगे। तो ये आप फोटो निकाल लीजिए या हम मेल पे भी ये मिल जाएगा। ठीक है, नीचे ये थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन दी गई है, तो इसके बाद हमें ठीक है नीचे डाउनलोड नाउ। ठीक, यहाँ पे आपको हेल्प मी डिसाइड में क्लिक करना है, ऊपर वाले दो ऑप्शंस में नहीं क्लिक करना है। उसके बाद इस तरह का कुछ ऑप्शंस आ जाएगा, यहाँ पे ये डाउनलोड नाउ पे हमें क्लिक करना है और इसके बाद ये ऑप्शंस आ जाएंगे, ऑटो डेस्क डाउनलोड मैनेजर। ठीक है, ये सेव फाइल अब क्लिक करना है, ये छोटी सी फाइल है 4KB की। इसके बाद रियल डाउनलोड शुरू होगा, तो इसमें हमें सेव फाइल पे क्लिक करना है। यहाँ पे आ गई है, ये जो ब्लैक वाली है वो हमारी फाइल है, ऊपर वाला इसको हम डिलीट करेंगे, वो हमारे कैड की फाइल नहीं है, डिलीट करेंगे और इसको क्लोज करेंगे और इसको भी क्लोज करेंगे, इसको मिनिमाइज करेंगे। और जहाँ पे आपका डाउनलोड हो गया है डिफ़ॉल्ट, वहाँ में हम जाएंगे और डाउनलोड में ठीक है, इसको जो ब्लैक वाला आइकॉन है उस पर हम डबल क्लिक करेंगे। आपको नेट कंटिन्यू चालू रहना चाहिए, आपको ये ध्यान रखना है। और ये ऑटोडेस्क डाउनलोड नाउ, ये प्रोसेसिंग थोड़ी बहुत हो जाएगी। इसके बाद ऐसे दो तीन प्रोसेस है, ध्यान से देखना आपको, और परसेंटेज 100% ठीक है। आपको कुछ क्लिक नहीं करना, ये अपने आप ओपन हो जाएगा। और ये डाउनलोड मैनेजर इंस्टॉलेशन, ये आई एग्री पे क्लिक करना है और ठीक है इंस्टॉल पे जाना है, ये डाउनलोड मैनेजर इंस्टॉलेशन। इसके बाद ये ठीक है अभी ये अपने आप ओपन हो जाएगा, जहाँ मैं क्लिक करने के लिए बोलता हूँ उसी पे क्लिक कीजिए। डेटा कलेक्शन यहाँ पे पर सर ये एक्सपीरियंस हेल्प आइडेंटिफाई, ठीक ये कुछ नहीं, इसको ओके करना है। और ये डाउनलोड विल बी सेव ऑन दिस फोल्डर, ठीक है ये सी फोल्डर में जाके इसको ओके करेंगे। थोड़ी देर आपको वेट करना है और ये आपकी रियल डाउनलोड फाइल शुरू हो गई। ठीक, यहाँ पर आपको साइज देख सकते 4.86 GB है, तो ये आपके टोटली कंप्यूटर के स्पीड पे डिपेंड, सॉरी नेट के स्पीड पे डिपेंड है। ये होने के लिए आपके पास आपको 1 घंटा भी लग सकता है, 2 घंटे लग सकती है, 4 घंटे भी लग सकते हैं। तो मैंने ये प्रोसेस भगा दिया है सुबह। इसके बाद डाउनलोड होते ही ये अपने आप शुरू हो जाएगा, तो ठीक है इस तरह का ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पे इनिशियलाइजिंग हो रहा है। इसके बाद ये विंडो ओपन हो गए, ये इंग्लिश, इसमें हमें इंस्टॉल पे क्लिक करना है। इंस्टॉल में क्लिक करते ही ये कंट्री लीजिए, हम इंडिया सेलेक्ट करेंगे और आई एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे। अगर ये आई रिजेक्ट पे होगा तो ये ऑप्शंस नेक्स्ट ऑप्शन आप क्लिक नहीं कर सकते, तो आई एक्सेप्ट करना है और नेक्स्ट पे के आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही ये ऑप्शन आ जाएंगे, इसको ऐसे रहने देना और इंस्टॉल पे क्लिक करना है। ठीक है, ये डिफॉल्ट सी फोल्डर में ही जाता है, तो इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। अभी ये ऑटोडेस्क का पेज इंस्टॉल हो रहा है। अभी ये प्रोसेस के लिए भी आपके कंप्यूटर का स्पीड पे डिपेंड है, इस पर आपको 15 मिनट भी लग सकता है, 20 मिनट भी लग सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस मैंने थोड़ा सा भगा दिया है, तो इसके बाद इस तरह का कुछ ओपन हो जाएगा। अभी इसमें हमें लॉन्च नाउ पे क्लिक करना है, नीचे इंस्टॉल हो गया, हम इसको लॉन्च करेंगे, ये ऑनलाइन ही इंस्टॉल हो जाएगा। लॉन्च नाउ पे क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा थोड़ी देर में। तो ठीक है, यहाँ पे देख तीन ऑप्शंस आ गए हैं, यहाँ पे साइन इन, एंटर सीरियल नंबर और यूज अ नेटवर्क लाइसेंस। ठीक है, हमारे पास एक्टिवेशन की है तो हम इस पर एंटर सीरियल नंबर पे क्लिक करेंगे। तो इस पर क्लिक करेंगे,
क्लिक करते ही ठीक है, यस आई एग्री पे क्लिक करना है और एक्टिवेट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपका सीरियल नंबर प्रोडक्ट की, तो हम अपने ईमेल पर जाएंगे क्योंकि हमारे ईमेल पर वो प्रोडक्ट की भेज दिया ऑटोडेस्क साइड ने, शायद मैंने क्लोज किया है। तो ठीक है चलते यहाँ पे ओपन करेंगे, शायद मेरा यहाँ पे लॉगिन होगा बराबर। इस पर हम मेल में जाएंगे, यहाँ पे आप चार पांच साइट देख सकते हैं, नीचे इस नीचे वाली ऑटोडेस्क लाइसेंस डिटेल, इस पर हमें क्लिक करना है और ये आ गए हमारी ऑटोडेस्क ने भेजा हुआ मेल लाइसेंस के लिए प्रोडक्ट की वगैरह। ठीक है यही आपको डालना है, ये मतलब आपका प्रोडक्ट की अलग हो सकता है, यही नाम आपको नंबर नहीं डालना है, इसको हम साइड में ले लेंगे और सीरियल नंबर डालेंगे जैसे आपके मेल पर दिया है। सीरियल नंबर के बाद आपका प्रोडक्ट की इसमें डालेंगे, ये दिखाया कि 3 साल का ही है। ठीक है और इसको नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करते थोड़ा टाइम ले गए और ये इसके बाद एक्टिवेशन हो जाएगा। ठीक है फिनिश पे हम क्लिक करेंगे और इसको मिनिमाइज़ करेंगे और ये अपने आप तो ओपन हो जाएगा। ठीक है ऑटोडेस्क का सॉफ्टवेयर ऑटो कैड अभी ये पूरा इंस्टॉल हो गया है, डाउनलोड भी हो गया और एक्टिवेट भी हो गया है। अभी ये ऑटो कैड क्या है, इसका बेसिक क्या है, इसका होम पेज क्या है, इसके टैब कौन कौन से है, ये जो हम आने वाली वीडियोज़ में कवर करेंगे, तो प्लीज़ पूरा देखते रहिए। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए तो मुझे कमेंट करके बोलिए ताकि मैं इसमें और सुधार कर सकूँ। और थैंक यू ये पूरा वीडियो देखने के लिए।